मुख्यालय स्तर पर यह प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 27 सितंबर की रात में एक होटल में चेकिंग कराई गई, जो आदेश वहाँ के एसएसपी के एक जनरल आदेश के तहत की जा रही थी। वहाँ एक कमरे में तीन व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई, तीसरा व्यक्ति वहाँ से उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत तुरंत एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया तथा 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। जब परिवारजन वहाँ पहुँचे तो मृतक की वाइफ के द्वारा एक तहरीर दी गई, कंप्लेन दी गई, उसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा शासन स्तर से कुछ आर्थिक अनुदान की भी घोषणा की गई। जब उसकी डेड बॉडी व्यक्ति की कानपुर पहुंची, वहां भी कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके उपरांत आज सुबह 6:50 या 55 पर परिवारजनों के द्वारा अंत्येष्टि की गई है। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से तथा शासन स्तर से ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोषी व्यक्तियों को किसी हालत में न बख्शा जाए और वहाँ के एडीजी तथा जहाँ वहाँ के जो डीआईजी रेंज हैं, इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से परीक्षण कर लें। इसके अतिरिक्त जो दो कमेटियाँ पहले से गठित हैं, उन कमेटियों में जो नॉन गस्टेड रैंक के अधिकारियों की कमेटी है, वो इस तरह के लोगों की पहचान करेगी जो कि दागी लोग हैं तथा इस जिनका पूर्व के इस तरह की शिकायतें रही हैं। तो शासन की तरफ से यही निर्देश है कि पूरी तरीके से इस प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई हो। अब आगे की विवेचना वहाँ एडीजी के नेतृत्व में हो रही है और अगर एडीजी इस चीज़ को चाहें तो अपने क्षेत्र में विवेचना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर उनको किसी अन्य एजेंसी से कराना है तो उसकी संस्तुति मुख्यालय स्तर पर भेजेंगे और तब इस पर निर्णय लिया जाएगा। ज्यादातर परिवार का बार बार एक निर्दोष व्यक्ति को मारा, ये आरोप लगाया जा रहा है प्रथम दृष्टया, तो क्या वाकई ये कुछ आप लोगों अब तक जो विवेचना हुई, क्या लग रहा है कि क्या वाकई कुछ इंटेंशंस थे इस तरीके के कि उनके ऊपर हमला हो जाएगा या मार ही दिया जाएगा उनको? ये इस जैसे ही परिवारजनों ने इस तरह के आरोप लगाए, बिना समय नष्ट किए उस पर FIR दर्ज की गई है और वहाँ जब इस तरह के ट्रॉमेटिक कंडीशन थी, वहाँ के SSP वहाँ के DM ने भी उनसे लंबी वार्ता की है और उसके बाद से आगे की कार्रवाई हम लोग परिवार के हित को देखते हुए और जो फैक्ट्स हैं इस केस के उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी तरीके से निष्पक्ष विवेचना इसमें कराई जाएगी। सर, हम कह सकते हैं कि ये जो जांच आप लोग करा रहे हैं, क्योंकि एक वो जो बात हो रही है, तो इन सबको लेकर के ये एक ताकि परिवार हित में हो या न्याय जस्टिस आप लोग तो उस तरफ बढ़ रहे हैं, या क्योंकि एक वीडियो को लेकर के भी कंफ्यूजन है, ये कहा जा रहा है। हाँ, दबाव बना रहे वो वीडियो काफी लंबा वीडियो है, इस संबंध में भी वहाँ के ADG को कहा गया है कि पूरे वीडियो को देखें, अभी कुछ कुछ पोर्शन को दिखा के सभी लोग अपने तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। जब तक उस पूरे वीडियो को नहीं देखा जाएगा कि वहाँ क्या वार्ता हुई थी, चीज़ों के बारे में कुछ भी स्पष्ट करना न तो श्रेयकर है न तो विवेचना के लिए उचित है। और ये बात तो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में पूरी तरीके से निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो परिवार का एक और आरोप है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि उनको मारने चोट लगी, उनके हाथ फ्रैक्चर्ड है, या तो मतलब काफी वो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए ही एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा कराया गया है पोस्टमार्टम, जिसकी वीडियोग्राफी भी है और सभी डॉक्टर्स हैं जो कि सभी पहलुओं को देखते हुए उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है और आवश्यक होगा तो जो भी इसकी या तो जुडिशियल स्क्रूटनी होगी जब विवेचना जब ट्रायल पर आएगा, या अगर कोई जांच होती है तो डॉक्टर्स के द्वारा उन चीज़ों को भी स्पष्ट किया जाएगा। हम ही कह सकते हैं कि परिवार के हित में जो भी बेहतर होगा पुलिस प्रशासन करेगा, क्योंकि आरोप पुलिस के अधिकारियों पर लगा पूरी तरीके से परिवार हित में और जनहित में ही विवेचना की जाएगी।